नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री खाटू श्याम सरकार के 21 भक्त इंदौर से 1500 किलोमीटर दूरी की श्री श्याम सुमरन ज्योत पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ रविवार 11 दिसंबर को प्रातः 9 बजे कबीटखेड़ी मंदिर से होगा। यात्रा संयोजक प्रसिद्ध भजन गायक भरत कुमार शर्मा ने बताया कि धार, रतलाम, नीमच, चित्तौड़गढ़, बिलवाड़ा, अजमेर, रिंगस होते हुए यात्रा 2 माह बाद 11 फरवरी को श्री खाटू श्याम धाम राजस्थान पहुंचेगी। यात्रा में शरीक श्याम भक्त अखंड ज्योत और निशान लेकर चलेंगे और यात्रा मार्ग में बाबा की ज्योत प्रज्वलित करेंगे। सह संयोजक श्याम गुप्ता ने बताया कि रविवार को यात्रा कबीटखेड़ी, मालवीय नगर, अंबिकापुरी एवं अशोकनगर के श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। सोमवार को बड़ा गणपति नावदा पंथ बेटमा होते हुए यात्रा धार प्रस्थान करेगी। यात्रा में मुख्य रूप से जितेंद्र शर्मा, दीपिका महेंद्र पाटिल एवं दीपक कुशवाहा विभिन्न व्यवस्थाओं का निर्वहन करेंगे। यात्रा आरंभ करने से श्याम भक्त श्री खाटू श्याम मंदिर से ज्योत लेकर इंदौर आए। शनिवार को स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश ने श्याम सुमरन ज्योत पद यात्रा दल का स्वागत शुभकामनाएं दी। भजन गायक श्री शर्मा एवं दल सदस्यों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रवीण कुमार खारीवाल, रुपेश व्यास, देव भाटिया, सुदेश गुप्ता, बंशी लालवानी, प्रवीण धनोतिया एवं सोनाली यादव ने स्वागत किया। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश का दल जनवरी माह में हरिद्वार तथा फरवरी माह में सालासर बालाजी एवं खाटू श्याम की यात्रा पर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।